अस्सलाम वालेकुम। डार एकेडमी की एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ रजा। आज की वीडियो लास्ट वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन और इसके दो मेजर टाइप्स रेसिमोज और साइमोज का डिफरेंस देखा था। आज की वीडियो में हम रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले देख लें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से पहले वो वीडियो देख लो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो जो कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के हवाले से है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के हवाले से लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इसमें मेन एक्सेस हमारे पास फ्लावर पे टर्मिनेट नहीं करता, यानी कि मेन एक्सेस की ग्रोथ जो है इनडेफिनेट होती है। सेकेंडली, इसमें जो फ्लावर डेवलप हो रहा होता है उसकी जो सक्सेशन है वो एक्रोपेटल है, मींस जो हमारे पास फ्लावर्स ओल्डर होंगे वो बेस की तरफ होंगे और जो यंगर फ्लावर्स होंगे वो हमारे पास अपेक्स या फिर अपर एंड की तरफ होंगे। इसी तरह से यहाँ पे जो ओपनिंग ऑफ फ्लावर है वो सेंट्रिपेटल है, मींस जो फ्लावर पेरिफ्री पे होंगे वो पहले ओपन होंगे, मैच्योर होंगे, और जो फ्लावर सेंटर की तरफ होंगे वो हमारे पास बाद में मैच्योर होंगे। इसको हम ब्रॉड वे में तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से हमारे पास जो सबसे पहले हैं वो पेडंकल एलोंगेटेड है, सेकंड नंबर पे पेडंकल शॉर्टेंड है और थर्ड नंबर पे हमारे पास पेडंकल फ्लैटेंड है। इन तीन को हम फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैं पहले सबके नाम लिख देता हूं, उसके बाद एक एक करके सबको डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारे पास जो पेडंकल एलोंगेटेड है उसमें हमारे पास जो सबसे पहले हैं वो रेसीम है, इसी तरह से हमारे पास स्पाइक है, कैटकिन है, स्पैडिक्स है और स्पाइकलेट है। पेडंकल शॉर्टेंड में हमारे पास दो हैं, फर्स्ट वन कॉरिम और सेकंड वन अम्बल। इसी तरह से पेडंकल फ्लैटेंड में हमारे पास एक टाइप है जिसको हम हेड या फिर कैपिट्यूलम कहते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर सबसे पहले टाइप की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारे पास पेडंकल एलोंगेटेड है। तो पेडंकल एलोंगेटेड में जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है जिसे हमने रेसीम का नाम दिया था, ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने रेसिमोस को डिफाइन किया था। अगर डेफिनेशन की बात करें तो रेसिमोस को हमने यही डिफाइन किया था कि हमारे पास इसका मेन एक्सेस
कभी भी फ्लावर पे टर्मिनेट नहीं होगा। तो लेट सपोज ये हमारे पास मेन एक्सेस है, इसमें हमारे पास जो फ्लावर्स हैं वो पेडिसलेट होंगे, यानी कि विथ स्टॉक होंगे। और सबसे पहले जो फ्लावर मैच्योर होगा वो हमारे पास बेस की तरफ होगा, यानी कि ये फर्स्ट फ्लावर है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास रेसीम जो है ये पेडिसलेट है, इसमें जो फ्लावर हैं वो हमारे पास बाइसेक्सुअल हैं, मेन एक्सिस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, एक्रोपेटल सक्सेशन है और फ्लावर की डेवलपमेंट सेंट्रिपेटल है, मैचुरेशन सेंट्रिपेटल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है, कॉमन एग्जाम्पल्स में हमारे पास मस्टर्ड है और रेडिश है। अगर आप इसको देखो तो ये हमारे पास एक सिंपल रेसीम है। अगर मैं इसी तरह से ड्रॉ करूं, लेट सपोज ये हमारे पास मेन एक्सेस है, और इसके साथ हमारे पास जो ब्रांच हैं इन ब्रांच के ऊपर भी अरेंजमेंट हमारे पास एक रेसीम की तरह है, यानी कि हमारे पास जो सबसे पहले फ्लावर है, लेट सपोज ये है हमारे पास, ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये इस ब्रांच को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक रेसीम है। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी जो फ्लावर्स अरेंज है वो भी हमारे पास एक सिंपल रेसीम की तरह अरेंज है। यहाँ पर भी कुछ यूं ही है। तो हमारे पास यहाँ पे आपको हर ब्रांच पे एक सिंपल रेसीम नज़र आ रहा है। तो ये जो हमारे पास ब्रांच फॉर्म में है इसको हम नाम देते हैं कंपाउंड रेसीम। लेकिन इसमें भी आपको जो एक्रोपेटल सक्सेशन है वो फॉलो होगा, यानी कि इस वाले ब्रांच में हमारे पास सबसे पहले डेवलपमेंट होगी फ्लावर की, यानी फ्लावर आपको बड़े नज़र आएंगे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और इसमें भी हमारे पास जो बेस के फ्लावर्स होंगे वो पहले मैच्योर होंगे और उसके बाद हमारे पास मैच्योरेशन जो है वो हमारे पास सेंटर की तरफ जाएगी, यानी कि जो अपेक्स की तरफ होगा वो सबसे यंगर फ्लावर होगा। मैंने ड्रॉ करने की कोशिश भी उसी तरह से की है। तो ये हमारे पास कंपाउंड रेसीम है जो कि हमारे पास रेसीम की टाइप में ही है। ये हमारे पास, हम इसको कर लेते हैं सिंपल रेसीम। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड रेसीम है ये हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी जो है वो गुलमोहर है, इसके अलावा नीम है और मैंगो है। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट वन हो गया रेसीम। अब सेकंड वन की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारे पास है स्पाइक। अगर स्पाइक की बात करें तो स्पाइक बिल्कुल हमारे पास रेसीम की तरह ही है, सिर्फ एक फर्क हमारे पास है
रेसीम में और स्पाइक में, वो हमारे पास फ्लावर के साथ स्टॉक यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो फ्लावर हैं वो डायरेक्टली हमारे पास मेन एक्सेस के साथ अटैच हैं। अरेंजमेंट पूरी वही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लावर्स हैं वो सिसाइल हैं सेकंड नंबर पे, यहाँ पे भी हमारे पास अरेंजमेंट वही है, सेंट्रिपेटल फ्लावर की ओपनिंग है और एक्रोपेटल सक्सेशन है। तो अगर स्पाइक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास सिसाइल हैं, फ्लावर्स यहाँ पर भी बाइसेक्चुअल हैं और इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है हमारे पास एमेरेंथस। थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं, थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो कैटकिन है। कैटकिन हमारे पास मॉडिफाइड स्पाइक है, इसमें जो हमारे पास डिफरेंस है वो हमारे पास इसके फ्लोरल एक्सिस का है। इसका जो फ्लोरल एक्सिस होता है वो हमारे पास पेंडुलस होता है, यानी कि ये हमारे पास एक तरह से फ्लावर इसमें हमारे पास लटके हुए होंगे क्योंकि ये हमारे पास बहुत वीक होता है। तो कैटकिन में जो मेन एक्सेस है वो पेंडुलस है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे भी जो फ्लावर्स हैं वो हमारे पास डायरेक्टली अटैच हैं मेन एक्सेस के साथ, और यहाँ पे भी अरेंजमेंट हमारे पास वही है, एक्रोपेटल सक्सेशन और सेंट्रिपेटल ओपनिंग। तो फ्लावर हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे पास सिसाइल है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास इसको स्पाइक से डिफरेंट में हम यूज़ कर सकते हैं वो है यहाँ पे जो फ्लावर होंगे वो हमारे पास यूनिसेक्चुअल होंगे। स्पाइक में हमारे पास जो फ्लावर हैं वो हमारे पास बाइसेक्चुअल हैं। तो स्पाइक और कैटकिन में जो बेसिक डिफरेंस है वो मेन एक्सिस का है, इसका मेन एक्सिस पेंडुलस है। यहाँ पे जो फ्लावर हैं वो बाइसेक्चुअल हैं, यहाँ पे जो फ्लावर हैं वो हमारे पास यूनिसेक्चुअल हैं। अगर कैटकिन की एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास मलबेरी है। थर्ड नंबर पे हमारे पास कैटकिन था। फोर्थ नंबर पे अगर आ जाए तो हमारे पास फोर्थ नंबर पे स्पैडिक्स है। स्पैडिक्स भी बेसिकली हमारे पास मॉडिफाइड स्पाइक है। इसकी खास बात इसका मेन एक्सेस है जो कि हमारे पास फ्लैशी होता है, यानी कि इसका मेन एक्सेस जो है वो थिक है, कुछ इस तरह से। इसमें जो फ्लावर हैं वो हमारे पास सिसाइल हैं और यूनिसेक्चुअल हैं। फ्लावर की अरेंजमेंट अगर मेन एक्सिस पे देखा जाए तो हमारे पास जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो हमारे पास नीचे के साइड पर हैं, ये हमारे पास फीमेल फ्लावर्स हैं। और अगर हम मेल फ्लावर्स की बात करें तो मेल फ्लावर्स जो हैं वो हमारे पास ऊपर के साइड पर हैं। यहाँ पे हमारे पास एक खास चीज़ और है कि हमारे पास ये जो फ्लावर होते हैं ये हमारे पास एक बड़े से ब्रैक के साथ कवर्ड होते हैं, यानी कि ये हमारे पास पूरे एरिया को कवर करके रखा होगा। लेट सपोज ये हमारे पास एक ब्रैक्ट है जिसने इसको यहां से कवर किया हुआ है। इस मॉडिफाइड ब्राइट कलर ब्रैक को हम नाम देते हैं स्पेथ।
तो स्पेत जो है इसने इसको कवर किया हुआ है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो हमारे पास बनाना है। अगर आप यहां पे और स्पाइक के दरमियान में डिफरेंस देखो, क्योंकि ये भी मॉडिफाइड स्पाइक ही हम कह रहे हैं, क्योंकि यहां पे भी फ्लावर हमारे पास सिसाइल है, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास इसका एक्सेस है जो कि फ्लैशी है यानी थिक है, साथ में यहां पे जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है, और यहां पे जो फ्लावर्स हैं उसको कवर किया हुआ एक ब्राइटली कलर्ड ब्रैक ने, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्पेथ। सबसे लास्ट में हमारे पास जो है वो है स्पाइकलेट। तो अगर हम स्पाइकलेट की बात करें तो स्पाइकलेट जो है हमारे पास फैमिली पोइसी का करैक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा फ्लोरेट्स मौजूद हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास मेन एक्सेस है, इस मेन एक्सेस पे हमारे पास लोअर साइड पे तीन ब्रैक्ट्स मौजूद होते हैं, जिसमें से लास्ट के जो दो हैं वो एम्प्टी हैं, यानी कि इनमें फ्लावर मौजूद नहीं होता, तो इनको हम एम्प्टी ब्रैक्ट्स कह रहे हैं, जिसको हम आगे नाम देते हैं ग्लियूम्स का। इसी तरह से जो थर्ड वन है हमारे पास जो कि फर्टाइल होगा, ये हमारे पास फर्टाइल ब्रैक्ट है, जिसको हम नाम देते हैं लेमा का। इसके एक्सेल पे हमारे पास फ्लावर मौजूद होगा। लेट सपोज ये इसका एक्सेस है, जस्ट अपोजिट टू लेमा हमारे पास एक ब्रैक्ट्यूल मौजूद होता है। इस ब्रैक्ट्यूल को हम नाम देते हैं पेलिया। अपार्ट फ्रॉम लेमा एंड पेलिया, टू थिकेंड स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज लोडिक्यूल्स और टेपल्स। इसके अलावा जो हमारे पास फ्लोरेट है उसमें एंथर मौजूद होगा, एंथर की तादाद तीन होती है, स्टेमन जो है वो हमारे पास तीन है, और इसमें जो एंथर है वो हमारे पास थोड़ा सा लॉन्गेस्ट होगा, हम इसको वर्सेटाइल एंथर कहते हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, यहां पे जो हमारे पास स्टिग्मा है वो हमारे पास बाइफाइड है यानी दो पार्ट्स में है, और इस पे हेयर्स मौजूद होते हैं। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हमारे पास जो स्पाइकलेट है ये बेसिकली मॉडिफाइड स्पाइक है, इसमें हमारे पास जो लास्ट के दो ब्रैक्ट्स हैं वो एम्प्टी होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं ग्लियूम्स का। जो थर्ड वन है हमारे पास ब्रैक्ट वो फर्टाइल है, जिसके एक्सेल से हमारे पास फ्लावर ऑरिजिन करेगा। हमारे पास जो थर्ड है उसको हम नाम देते हैं लेमा। जस्ट अपोजिट टू लेमा हमारे पास एक ब्रैक्ट्यूल मौजूद है, जिसको हमने नाम दिया पेलिया। ये लेमा और पेलिया जो है हमारे पास फ्लावर को कवर करके रखने का यानी कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। यहां पे हमारे पास दो थिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनको लोडिक्यूल्स या टेपल्स कहा जाता है। यहां पे कैलेक्स और क्रोला मौजूद नहीं होते, उनकी जगह पे लोडिक्यूल्स हैं। तीन स्टेमन मौजूद हैं, साथ में हमारे पास स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। ये हमारे पास ओवरऑल ये जो पूरा एक है ये हमारे पास एक फ्लोरेट है। ये तो हो गया हमारे पास पिडंकल एलोंगेटेड।
नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पेडंकल शॉर्टेंड, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास है पेडंकल फ्लैटेंड। इंशाल्लाह पेडंकल शॉर्टेंड और पेडंकल फ्लैटेंड हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।